पश्चिमी देश इन दिनों हर वो चाल चल रहे जिससे रूस और भारत को अलग किया जा सके, और ऐसा लग रहा कि उनकी भारत रूस की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश कामयाब भी हो रही, क्योंकि रूस ने भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा डील को खत्म करने की धमकी दे दी है। देखा जाए तो अमेरिका समेत कई देश हैं जो रूस पर आए दिन प्रतिबंध लगा रहे, मगर भारत इकलौता देश है जो रूस के लिए इन सभी देशों की खिलाफत करते आया है। हालांकि यूक्रेन से युद्ध के कारण दुनिया से अलग थलग पड़ा रूस भी अब भारत पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में सहयोग करने के लिए दबाव बना रहा। रूस ने तो भारत को बकायदा धमकी तक दे दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कहा है कि अगर भारत रूस को FATF की ब्लैकलिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नहीं बचाता है तो वह भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा डील को खत्म कर देगा। रूस भारत सहित ग्लोबल साउथ के कई देशों पर FATF की लिस्ट से बचाने के लिए दबाव बना रहा। कहा जा रहा कि यूक्रेन से युद्ध के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जून में रूस को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकता है। रूस खुद को आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ने से बचाने के लिए ये हरकत कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में एक रूसी स्टेट एजेंसी ने भारतीय समक्ष को चेतावनी दी है कि अगर FATF ने रूस को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल किया तो ऊर्जा, डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। रूसी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। रूस की ओर से यह एक तरह से अप्रत्याशित और नकारात्मक परिणामों को लेकर चेतावनी है। रूसी एजेंसी ने FATF के इस कदम को राजनीतिक और अवैध करार देते हुए भारत से इसका विरोध करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस को ग्रे लिस्ट में भी डाला जाता है तो भारत के लिए यह कठिनाइयों का कारण होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि भारत ने इन चेतावनियों का कोई जवाब दिया है या नहीं। इसके अलावा रूस या भारत में से किसी भी देश की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया गया। बता दें FATF ने फरवरी 2023 में रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया था। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द करते हुए कहा था कि यूक्रेन में रूस की जारी सैन्य कार्रवाई FATF के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। FATF ने यह भी कहा था कि यूक्रेन में जारी रूस की कार्रवाई उकसाने वाली है। सदस्यता रद्द करने के बाद से ही FATF रूस को ब्लैकलिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल करने पर जोर दे रहा है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें FATF एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिश करती है। FATF के ब्लैक या ग्रे लिस्ट में शामिल देश पर निगरानी बढ़ा दी जाती है और दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाती है। 1979 में पेरिस G7 शिखर सम्मेलन के दौरान FATF का गठन हुआ था। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली अपराध को रोकना और आतंकवाद पर अंकुश लगाना है। और भारत 2006 में ऑब्जर्वर स्टेट्स के साथ इसका सदस्य बना था। 2010 में भारत इसका स्थायी सदस्य बन गया। FATF ने फरवरी 2023 में रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया था। सदस्यता रद्द करते हुए FATF ने कहा था कि निलंबन के बाद भी रूस पर निगरानी जारी रहेगी ताकि रूस संगठन के मानकों को लागू करने के लिए जवाब दे रहे। प्रत्येक बैठक में संगठन इस बात पर विचार करेगा कि रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए या संशोधित किया जाए। FATF की ब्लैकलिस्ट में अभी उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। अगर रूस को FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाता है तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था को और भी गहरा झटका लगेगा। रूस को FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल करने वाला प्रस्ताव अगर पारित होता है तो रूस को सदस्य देशों के अलावा बैंकों और इन्वेस्टमेंट हाउसेस के साथ भी लेन देन करने में जरूरी उपायों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वर्तमान में FATF की ग्रे लिस्ट में अल्बीनिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और UAE समेत कुल 23 देश शामिल हैं। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर कोई भी देश ग्रे लिस्टेड होता है तो उस पर निगरानी बढ़ा दी जाती है, जिससे उस देश की पूंजी प्रवाह में काफी गिरावट देखी जाती है। वहीं यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले से ही रूस पर काफी प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके बाद रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए चीन, भारत और ताइवान जैसे देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की है। हालांकि अगर FATF रूस को ब्लैकलिस्ट कर देता है तो इन देशों का भी रूस के साथ व्यापार जारी रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे रूसी अर्थव्यवस्था ढह सकती है और उसी को लेकर अब रूस परेशान है और भारत जैसे देशों की मदद चाहता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।